प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर विच नौवें G20 संसदीय स्पीकर शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके अपने संबोधन विच कहा कि G20 के सफल आयोजन तो बाद P20 का सम्मेलन हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की सब तो वड्डी ताकत उसके लोग अते उन्होंने इच्छा शक्ति होंदी है। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन दुनिया भर दी वक्-वक् संसदीय प्रणालियां का महाकुंभ है। उन्होंने कहा कि अज लोगों की इस ताकत को मनाने का माध्यम सम्मेलन बनया है। लेकिन G20 ने इस बार फेस्टिव सीजन के उत्साह को पूरे साल भर बनाए रखा है। हमने पूरे साल G20 के डेलीगेट्स को भारत के अलग अलग शहरों में होस्ट किया। इससे उन शहरों में फेस्टिविटी का माहौल बना रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रधानगी अधीन G20 ने इस बार उत्सव के जोश को साल भर बनाई रखा है। उन्होंने कहा कि P20 सम्मेलन उस भारत की धरती से हो रहा है जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और दुनिया की सब तो वड्डी डेमोक्रेसी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अतवाद दुनिया लिए सब तो वड्डा खतरा है। विश्व में अतवाद की परिभाषा से आम रजामंदी न होना अफसोस का विषय है। ऐसी अनेकों आतंकी वारदातों से निपटते हुए आज यहां पहुंचा है। अब दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। लोकसभा दे स्पीकर ओम बिरला ने सम्मेलन नु संबोधन करदिया कहा कि असि विश्व नु एक परिवार मनते हाँ। विशालता, विभिन्नता अते बहुलता भारत दे लोकतंत्र दी पछाण है अते सभ्याचार ते संस्कार भारतीय लोकतंत्र विच शामिल ने। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सब तो वड्डी अते वडमुली विरासत है। हमारे विचार में, व्यवहार में है, एक तरह से ये हमारी संस्कृति और संस्कार में आत्मसात है। इसलिए जब हमारा देश आजाद हुआ था तब स्वाभाविक रूप से हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। भारत की संसद वालों करवाए जा रहे इस सम्मेलन विच G20 दे मैंबर देशां अते सदे हुए देशां दीआं संस्था दे मुखी हिस्सा लै रहे ने। सम्मेलन दा विशा इक धरती इक परिवार इक भविख लई संसद है।